नमस्कार दोस्तों, तो फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल इस महीने के 23 सितंबर से शुरू होने वाला है और प्लस मेंबर के लिए एक दिन पहले से शुरू होगा। और आप लोगों ने जरूर देखा ही होगा कि पोको F4 5G जैसा स्मार्टफोन, मतलब पोको F4 5G आपको मिलेगा 21,000 रुपए पे, लेकिन जिसका नॉर्मल टाइम में प्राइस है प्रोबेबली 27,000 या 28,000 रुपए। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा ये जो पोको F4 5G जो कि मैंने पहली सेल में ले लिया था, मतलब ये एक्चुअली लगातार 2.5 महीना मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो 2.5 महीना लगातार इस्तेमाल करने के बाद मुझे इसमें क्या प्रोज या फिर कॉन्स लगा, और जब फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल में ये फोन आपको 21,000 पे मिलेगा तो क्या ये फोन आपको लेना चाहिए, मतलब क्या प्राइस पॉइंट का सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है या फिर नहीं, इस वीडियो में आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई बात खबर। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेटल चैनल पर नए हैं और ऐसे स्मार्टफोन रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो गैजेटल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, तो ये जो वीडियो मैं आपको अलग अलग कैटेगरी में दिखाऊंगा, तो पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा इसका बिल्ड क्वालिटी। देखिए, इसके पीछे आपको मिलेगा टोटली ग्लास बॉडी, लेकिन जो साइड का एरिया प्रोबेबली वो आपको मेटालिक टाइप का मिलेगा। लेकिन मैंने ये चीज नोटिस किया है, अगर आप इसे ट्राइपॉड वगैरह पे इस्तेमाल करेंगे तो साइड का ये जो हिस्सा इसमें हल्का सा स्क्रैच लग सकता है, तो एक्चुअली एक मेटालिक टाइप का एरिया है। और अगर हम वेट की बारे में बात करें, ज्यादा वेट इसका बिल्कुल भी नहीं है, बस 190 ग्राम के आसपास इसका वेट है। तो मतलब इस जगह मैं ये चीज कहना चाहूंगा, प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसका जो बिल्ड क्वालिटी प्रोबेबली सबसे बेस्ट है, क्योंकि मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी याद नहीं कि प्राइस पॉइंट में ऐसा कौन सा ब्रांड अभी है जो कि आपको टोटली ग्लास बॉडी आपको प्रोवाइड करेगा। उसके बाद हम बात करेंगे इसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट जो कि इसका डिस्प्ले। तो इसमें आपको मिलेगा 6.67 इंच फुल एचडी प्लस 120 हर्ट्ज E4 सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जिसके साथ मिलेगा 360 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट। उसके साथ फ्रंट में आपको मिलेगा गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन। अगर इसके सर्टिफिकेशन के बारे में बात करें तो आपको से मिलेगा HDR10 प्लस, डॉल्बी फिशन और MEMC, ये तीनों का सर्टिफिकेशन, मतलब ये तीनों का सपोर्ट आपको मिलेगा। तो मतलब थियोरेटिकली इसका जो डिस्प्ले वो बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। तो देखिए, इधर अगर मैं मेरा ओपिनियन देता हूँ तो मैंने अभी तक जितने भी डिस्प्ले इस्तेमाल किया है पोको F4 5G का डिस्प्ले वो बहुत ही बढ़िया है। इसमें जो सुपर एमोलेड मिल रहा है वो सच में बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का सुपर एमोलेड है, और क्योंकि इसमें आपको E4 क्वालिटी का सुपर एमोलेड मिल रहा है तो मतलब इसका जो पावर एफिशिएंसी वो E3 सुपर एमोलेड के मुकाबले स्लाइटली बेटर होगा। और जो कलर बूस्ट, मतलब जो जबरदस्ती कलर बूस्ट आपको सुपर एमोलेड मिलता है वो भी आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, मतलब ये आप समझ सकते हैं नेचुरल कलर और भी ज्यादा बूस्टेड आपको मिलेगा, जो कि डेफिनेटली प्राइस पॉइंट में अवेलेबल किसी भी IPS LCD या फिर बाकी किसी भी सुपर एमोलेड के मुकाबले डेफिनेटली बेस्ट है। तो इसलिए डिस्प्ले इसका डेफिनेटली एक सेलिंग पॉइंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके कैमरे के बारे में। इसमें आपको मिलेगा 64, 8 और 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। इसके रियर कैमरे में आपको मिलेगा OIS का ऑप्शन। और इधर अगर मैं मेरा ओपिनियन देता हूं तो आपने देखा होगा कि मैंने पिछले 2 महीने पे जितने भी अनबॉक्सिंग वीडियो शूट किया है, मतलब वो जो ओवरहेड वाला शॉट मैंने शूट किया है, हर एक बार मैंने पोको F4 5G के 4K 60fps मोड पे मैंने शूट किया। और मैं आपको ये चीज गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप एडिटिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते इससे पहले मैंने जितने सारे कैमरा उस ओवरहेड शॉट को शूट करने के लिए मैंने यूज किया था, हर एक बार मुझे उस फुटेज के ऊपर कलर ग्रेडिंग करना होता है। लेकिन पोको F4 में शूट करने के बाद मुझे कलर ग्रेडिंग करने की कोई जरूरत नहीं, टोटली नेचुरल शार्प कलर आपको मिलेगा। और कुछ लोगों को लगता है कि क्या इसमें फोकस हंटिंग का इशू है, अभी तक तो मुझे एटलीस्ट कोई भी फोकस हंटिंग का इशू देखने को नहीं मिला, मतलब टोटली जीरो फोकस हंटिंग का इशू है। तो इसीलिए अगर आपको वीडियोग्राफी के लिए फोन लेना है मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा। लेकिन अगर हम फोटोग्राफी के बारे में बात करें, देखिए स्टिल फोटोग्राफी अगर आपका टारगेट है तो मैं इसे उतना ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इसका जो स्टिल फोटोग्राफी इसका थोड़ा सा टेंडेंसी है कि नॉर्मल पिक्चर को बहुत ही ज्यादा बूस्ट करने के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल मैं मेरे शार्ट का पिक्चर ले रहा हूं, आप जो वीडियो देख रहे हैं DSLR से देख रहे हैं, इसका कलर आपको लगेगा नेवी ब्लू टाइप का, लेकिन जब मैं पोको F4 से इसका स्टिल फोटो लूंगा तो इसका पिक्चर थोड़ा सा ब्राइटर टाइप का ब्लू आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब स्टिल फोटोग्राफी के मामले में ये जो फोन वो उतना बढ़िया नहीं है, सेम प्राइस पॉइंट में Realme 9 Pro Plus जैसा स्मार्टफोन स्टिल फोटोग्राफी में डेफिनेटली इससे बेटर है। तो इसीलिए स्टिल फोटोग्राफी इसका थोड़ा सा डाउनग्रेडेड पार्ट है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके परफॉर्मेंस और हीटिंग के बारे में। देखिए, ये चीज आपको जरूर मालूम होगा, स्नैपड्रैगन 870 इसमें आपको मिलेगा, उसके साथ पोको की तरफ से आने वाले कूलिंग सिस्टम। तो मैं ये चीज कहना चाहूंगा, सेम प्राइस पर में आपको जो आईको नियो 6 का कूलिंग सिस्टम मिलेगा उसका कूलिंग पोको F4 5G के मुकाबले स्लाइटली बेटर है। दोनों पे आपको स्नैपड्रैगन 870 मिलेगा, दोनों का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है, मतलब एटलीस्ट अगर आप गेम खेलेंगे, अभी तक मैंने जितने सारे गेम ट्राई किया है किसी भी गेम में मुझे कोई हैंग लैग का इशू या फिर फ्रेम ड्रॉप का इशू देखने को नहीं मिला। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान में रखना, अगर आप पंखा बंद करके गेम खेल रहे कुछ गेम में हो सकता है कि फोन थोड़ा बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। अगर फोन हद से ज्यादा गर्म होता है पर्टिकुलर कुछ गेम खेलने के टाइम तो आपको थोड़ा सा FPS ड्रॉप या फिर हैंग लैग का इशू मिल सकता है। लेकिन ये जो इशू पर्टिकुलर कुछ गेम में आपको मिलेगा जो कि इस फोन के लिए प्रोबेबली ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। और अगर हम इसकी हीटिंग के बारे में बात करें, देखिए
चार्जिंग के टाइम 38 से 39 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होगा। अगर आप 4K वीडियोग्राफी लगातार शूट करेंगे, मैंने ऐसे बहुत सारे फ़ोन में देखा है 5 मिनट या फिर 6 मिनट होने के बाद फ़ोन बंद हो जाता है क्योंकि ओवरहीट होता है, लेकिन इसमें मैंने लगातार 4K क्वालिटी में 15 से 20 मिनट तक का शूटिंग किया है, कोई भी इशू मुझे नहीं लगा। तो मतलब ये जो फ़ोन टेम्परेचर को अच्छे से हैंडल कर पाता है, तो मतलब इसका जो परफॉर्मेंस डेफिनेटली बढ़िया है, हीटिंग का भी इशू आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आईको नियो 6 के मुकाबले इसका जो कूलिंग सिस्टम वो स्लाइटली लोअर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके कॉलिंग फीचर के बारे में। तो जब भी मैंने इससे कॉलिंग किया है, अगर आप क्राउडेड इलाके में कॉल करेंगे या फिर किसी ऐसे जगह में कॉल करेंगे जहां पर नेटवर्क का इशू है, एटलीस्ट मुझे तो कोई इशू देखने को नहीं मिला। मेरा जो वॉइस वो सामने वाला इंसान अच्छे से सुन पाता है, सामने वाला जो इंसान वो जो बोल रहा है उसका वॉइस मैं अच्छे से सुन पाता, तो इसलिए कॉलिंग या फिर नेटवर्क के मामले मुझे ऐसा कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला। इसके बाद हम बात करेंगे इसके बैटरी और चार्जिंग के बारे में। 4500 mAh बैटरी, 67W का चार्जर। तो एक 4500 mAh बैटरी और स्नैपड्रैगन 870 का कॉम्बिनेशन आपको जैसा परफॉर्मेंस देना चाहिए या फिर जैसा पावर बैकअप देना चाहिए एग्जैक्टली सेम पावर बैकअप आपको देता है। और अगर इसके चार्जिंग सिस्टम के बारे में बात करें, 40 मिनट के आसपास फुल चार्ज हो ही जाएगा। लेकिन मैं इधर एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, मैं अगर मेरा यूसेज के बारे में बात करूँ, मैं जनरली डेली 3 से 4 घंटा लगातार गेमिंग करता हूँ, तो उस हिसाब से मुझे इस फोन को डेली एक बार चार्ज देना ही पड़ता है। तो इसलिए अगर आप थोड़ा सा हेवी गेमर है तो शायद आपको ये फोन को दिन में एक से ज़्यादा बार चार्ज देना पड़ सकता है। और इसके बाद इसके ऑडियो सिस्टम के बारे में बात करें, इसमें आपको ऊपर नीचे दोनों साइड पर 2 स्पीकर आपको मिलेगा जिसके साथ डॉल्बी एटमॉस का सर्टिफिकेशन। और इसका जो स्पीकर का जो डिविजन, मतलब फॉर एग्जांपल आपको एक गाना सुन रहे, इस स्पीकर से जैसा साउंड आएगा इस स्पीकर से भी एग्जैक्टली सेम साउंड आएगा, मतलब दोनों का जो डिविजन वो एक्जैक्टली 50-50 है। तो इसलिए इसका जो ऑडियो एक्सपीरियंस वो डेफिनेटली बहुत ही बेस्ट है। और हाँ, एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, कोई भी 3.5 mm जैक आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये तो होगा इसका प्रोज। अगर हम इसके कॉन्स के बारे में बात करें, नंबर 1 कॉन्स, अगर आप पंखा बंद करके गेम खेलेंगे, कुछ गेम में ऐसा है कि बहुत ज्यादा हीट हो सकता है जिसके कारण गेम में आपको स्लाइटली हैंग लैग मिल सकता है। लेकिन ये जो चीज मैं पबजी जैसे गेम में नहीं बोल रहा हूं, मैंने ट्राई किया है, वो सब गेम में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी दूसरे गेम में ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा, एंड्रॉयड फ़ोन में जनरली एक इशू होता है कि अपडेट आपको बहुत ही लेट मिलेगा। तो ये जो फ़ोन मैंने लिया था प्रोबेबली जून महीने के आसपास, बस पिछले महीने मतलब अगस्त के आखिर में इसमें मुझे नया अपडेट मिल चुका है। तो मतलब हर 3 महीने बाद मुझे इसमें नया अपडेट मिल रहा है। लेकिन सेम प्राइस पॉइंट में अगर मैं आईको के फ़ोन के साथ कंपेयर करता हूँ, पर मंथ मुझे कॉन्फर्म सिक्योरिटी अपडेट मिलता है। तो मतलब अपडेट के मुकाबले ये डेफिनेटली हर 3 महीने पर एक बार अपडेट देगा। उसके बाद जैसे मैंने पहले बोल दिया, बैटरी अगर बात करें, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इसका बैटरी 5000 mAh या फिर एटलीस्ट 5500 mAh होता तो एटलीस्ट मेरे लिए बहुत ही बढ़िया रहता। बट इसका बैटरी नॉर्मल यूजर के लिए तो ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा सा हेवी यूजर के लिए आपको थोड़ा सा कम महसूस होगा। लेकिन नेक्स्ट एक्चुअली इसका प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे बोलना चाहिए, अगर भी इस फोन को इसके केस के बगैर इस्तेमाल करेंगे तो 100% चांस है फोन आपके हाथ से फिसलेगा। अगर आपके हाथ से फिसलता है तो पीछे का जो ग्लास वो डेफिनेटली टूटेगा, तो इसीलिए आपको इस कवर इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इसका जो कवर, मैंने इसे लोकल मार्केट में ढूंढा है, एग्जैक्टली परफेक्ट कटआउट वाला जो कवर वो मुझे मिल नहीं रहा है। ये जो कवर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक्चुअली कंपनी की तरफ से जो कवर मिला है मैं वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसीलिए कोशिश करना कि बॉक्स के अंदर जो कवर मिल रहा है उसे ना खोने के लिए और उसे इस्तेमाल करने के लिए। और जो फाइनल पॉइंट, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले बोल दिया है, इसका वीडियोग्राफी प्राइस पॉइंट में सबसे बेस्ट है, लेकिन फोटोग्राफी थोड़ा सा एवरेज है, मतलब और भी बेटर हो सकता था, स्पेशली ओवर सैचुरेटेड कलर या फिर ओवर कलर बूस्टिंग के लिए। लेकिन अगर वीडियो का अगर मैं मेरा ओपिनियन देता हूँ, 21 से 22 हज़ार में ये जो फ्लिपकार्ट में सेल में ये जो फोन मिलने वाला है, डेफिनेटली आपको लेना चाहिए, क्योंकि प्राइस पॉइंट के हिसाब से एकदम अनबीटेबल वाला फोन ये पोको A4 5G आपको मिलेगा। तो अभी आप मुझे जरूर बताना कि पोको का ये जो फोन क्या आप इस बिग बिलियन डे सेल में लेना चाहेंगे या फिर किसी दूसरा डिवाइस आप लेना चाहेंगे, इसके बारे में मुझे कॉन्शन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।